हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, मैं सुबह सुबह केक बना रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे रसमलाई का केक बनाया है। लाइट चली गई थी सुबह, मुझे ये 10 बजे देना था तो सुबह लाइट नहीं आया। फिर उसके बाद लाइट रुकते रुकते फिर आज लाइट आ गया तो मैं छत से क्रीम बना दिया और यहाँ पे फिर लाइट चले गए। मेरा यह है, यहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, मैं हमेशा कहती हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। यहाँ पे मैंने रसमलाई का क्रस्ट डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने पूरी लेयर रख दिया है। जो पानी है, पानी में मैंने क्रस्ट डाल दिया था और स्पॉन्ज में मैंने रसमलाई का एसेंस डाला है। खुशबू तो बहुत अच्छे आ रहे थे। यहाँ पे मैंने क्रम कोटिंग करके 5 मिनट के लिए ही बस मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि टाइम भी नहीं था तो मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने आइसिंग किया। पाइपिंग बेक में करने से जल्दी से हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सब आइसिंग कर दिया है। अभी मैं ये यहाँ पे मैं इस स्क्रैपर लेके यहाँ पे मैंने घुमा दिया है और मैंने ऊपर का भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे मुझे उसने एक नाम लिखने के लिए बोला था। ये तू मैंने वीडियो में देखा किसी का, ये नहीं, उसने ये मैं टूथपिक में फ्लावर बनाया था। मैंने बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे से नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्रश के ऊपर बोतल में बनाया, वो वाला तो अच्छा नहीं बना। फिर मैंने ये रोज नोजल लेके इससे मैंने बना दिया। ये मैंने यहाँ पे बना दिया और मैंने गोल वाला नोजल लेके मैंने नीचे का बॉर्डर ऐसे बना दिया। इसको पुश करना है और थोड़ी सी दबाना है, बस हो गया। और ये स्टार नोजल लेके मैंने बस ऐसे ही बना दिया। यहाँ पे मैंने गलती की थी, मुझे ये वाला अंदर में नहीं बनाना था लेकिन मैंने बना दिया। फिर जिसका नाम था उसका नाम बहुत लंबा है तो मेरा अच्छा से नहीं आया। आप देखिएगा, ये मैंने जल्दी जल्दी से बना के, मुझे फ्रिज में रखने का भी टाइम नहीं मिला। फिर उसको मैंने फ्रिज में रख के दे दिया था। ये देखिए, मुझे ये क्रीम से लिखना था, यहाँ पे मैंने गनाश से लिखा तो अच्छा नहीं हुआ। और मेरा ये देखिए, ये एस काव्यंश था तो मेरा उसमें पूरा नहीं आया एच, तो मैंने नीचे लिख दिया। कैसे लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।